हेलो स्टूडेंट्स स्ट्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन आर यूट्यूब चैनल शिवाना आई एस अकेडमी टुडे वी विल डिस्कस द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन रूपी मसाला बॉन्ड स्पेसिफिकली एंड इसमें कुछ तीन चार बातें ऐसी हैं जो हम फ्रेंकली डिस्कस करेंगे इसमें डिटेलिंग के साथ एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे इससे जुड़े कई सवाल एग्जाम में आते रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज दोस्ट लाइकली फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई टू टेक टेक टू स्टॉप दी स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी इंडियन रुपी विच मीन इंडियन करेंसी का जो फॉल है उसे रोकने के लिए जो आर बी आई है या गवर्नमेंट है वो कौन से स्टेप जो है वो लेती है तो फर्स्ट स्टेप अच्छा कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहेगी ठीक है कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल आइटम्स या गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट तो बेसिक फैक्ट जानिए कि कोई भी देश की करेंसी फॉर एग्जाम्पल रुपी फॉल कब करेगी जब हमारा इम्पोर्ट ज्यादा हो तो इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो करेंसी फॉल करती है और जब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो नेचुरली जो है वो करेंसी राइज करती है हमारा एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट अगर सेम हो तो करेंसी ना फॉल करेगी ना राइज करेगी बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हुआ तो फॉल करेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हुआ तो राइज करेगी अब सीधी सी बात यह है कि अगर इंडियन रूपी का जो स्लाइड है जो फॉल है वो रोकना है तो क्या हमें इंपोर्ट को कम करना है बिल्कुल कम करना बेसिक फैक्ट है अब इंपोर्ट हम सभी चीजों का कम नहीं कर सकते ऑयल हमें चाहिए उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है गोल्ड हमारे पास कम होता है हम बाहर से मंगवाते हैं ज़्यादा तो उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है कुछ चीज़ों का जैसे डिफेंस के इक्वमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूज़ होती है उनके ऑल्टरनेटिव नहीं है तो नेचुरली वो इसेंशियल आइटम्स हैं लेनी ही पड़ेंगे इम्पोर्ट करनी ही पड़ेंगे पर जो नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे तो दिवाली के समय हम या यूं भी चीन से हम कई चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं जो ज़ीरो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं प्लास्टिक की चेयर से लेके मिट्टी की मूर्तियां इनको बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, है पर चूंकि वहां से सस्ती के आती है तो इसलिए हम लोग वहां से लेते हैं पर ऐसी आइटम का ऑल्टरनेटिव है देश में बन रहा होता है ऐसी आइटम देश में बनती है तो उनका ऑल्टरनेटिव है इसलिए हम उनको अवॉइड कर सकते हैं तो ऐसी नॉन इसेंशियल आइटम को हम अवॉइड कर सकते हैं और प्रमोट कर एक्सपोर्ट को मन यह बात तो सही है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज नहीं होएगी तो इसमें तो यह तो नहीं है खैर आंसर डी है इसका बट हम डिस्कस करेंगे एनकरेजिंग इंडियन बॉरोर टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड अब मसाला बॉन्ड क्या होते हैं देखिए बॉन्ड क्या है बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि उधार लेने का एक फाइनेंशियल तरीका है एक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उधार लेना किससे उधार लेना इंटरनेशनल मार्केट से उधार लेना बाई इंडियन एंडटीज बाई इंडियन कंपनीज बाई इंडियन एंडटीज मीन्स कुछ भी वो दे कैन बी एनी बडी बट दे मस्पी इंडियन तो इंडियन के द्वारा विदेशों से लोन लेना उधार लेना पैसा लेना उधार मगर वो रुपी के अंदर रुपी डोमिनेटेड यदि मान लो मेरी कंपनी है और मैं किसी फॉरनर बैंक से या किसी फॉरनर कंपनी से उधार लेता हूँ डॉलर्स में तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है आप जिस भी करेंसी में डील करोगे उस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी यदि मैं कंपनी हूं ए इंडियन कंपनी और मुझे उधार चाहिए किसी एक एक्स वाई जेड कंपनी जो कि ब्रिटेन की है या यूएस की है तो अगर मैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज करेंसी यूएस डॉलर में लेता हूं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है यदि मैं उनसे डिमांड करूं कि आप इन्वेस्ट करिए मुझे पैसा दीजिए रुपी की फॉर्म में तो वो जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं इन रूपी बट इन दर्नल मार्केट इन अमेरिका इन यू एस इन जापान इन जर्मनी तो हम कहते हैं उसे मसाला बॉन्ड अब ये मसाला इसको नाम क्यों दिया गया है क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा मसाला एक्सपोर्ट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई थी इनिशियली मसालों की सर्च में स्पाइसिस और केरल इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इवन केरल ने ही पहली दफा जो है केरल की सरकार ने दो हजार करोड़ समथिंग के मसाला बॉन्ड जारी किए थे तो मसाला बॉन्ड एक्चुअली एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है उधार लेने का एक तरीका है जिसमें हमारे देश की कंपनीज या हमारे देश की एंटिटीज़ विदेशी कंपनियों से जो है वो पैसा उठाती हैं बट इन रूपी के फॉर्म में रूपी के मैं डोमिनेट होता बीच में रूपी की फॉर्म में पैसा उठाती हैं इससे क्या हुआ जिस भी करेंसी में आप डील करोगे उस करेंसी की वैल्यू अप होएगी राइज करेगी तो इंडियन बोरोर का रुपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड में पैसा उठाना जो है वो नेचुरली रुपी की वैल्यू को इंप्रूव करेगा इस सिंपल सा फैक्ट है तीसरा है ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल की एक्सटर्नल जो कॉमर्शियल बोरोइंग होती हैं जो सीधी सी बात है मसाला बॉन्ड भी इसके अंदर ही आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो का मतलब यह है कि आप बाहर से जो है पैसा उठा रहे हैं और उसे उठा रहे है लोकल करेंसी के अंदर इंडियन रुपी के अंदर जैसे मसाला बॉन्ड की मैंने बात की है कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस है मगर उसमें जाएंगे तो काफी डिटेलिंग यहां हो जाएगी पर फिलहाल जो ये तीन बातें कही गई हैं यहां पे मैं उसको पढ़ देता हूं लास्ट बात जो है वो इसमें सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही ऑप्शन ए गलत क्यों है कि उसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली मेजर मैंने वो मेजर uh, नहीं लेंगे uh, जो गवर्नमेंट uh, है रुपी के स्लाइड को रोकने के लिए तो पहला तो नहीं लेंगे ये दिस वुड हेल्प कंट्रोल इंपोर्ट एंड दस डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी uh, जो है वो कंट्रोल uh, हो जाएगा मसाला बॉन्ड वर ब्रॉट इन टू द स्लाइड ऑफ रूपी सिंस दूपी डोमिनेटेड एंड डज नॉट पुट प्रेशर ऑन द

एक बात आपने जाननी है कि हम इंपोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं वी गिव डॉलर्स एक्सपोर्ट करते हैं वी डिमांड डॉलर्स तो हमारा जो फॉरेक्स है फॉरन एक्सचेंज है वो डॉलर्स के साथ साथ काफी चीजें और हैं मगर डॉलर्स में मान लीजिए डॉलर में हमारा जो ये तो जो बॉरइंग किसी दूसरे देश में अगर की जाती है तो उसका हमारे देश की जो देश का जो फॉरेक्स है उस पर असर नहीं पड़ेगा तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग विच मीन की वी बोरो इन दी इन दी एक्सटर्नल मार्केट तो उसका इफेक्ट हमारे देश की करेंसी के ऊपर नहीं पड़ता है अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बहुत ही डेफ्थ में है हम इसको एक स्पेशली वीडियो के जरिए डिस्कस करेंगे बट इसमें राइट right ऑप्शन कौन सी है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप लोन सस्ता कर देते हैं लोन सस्ता करने से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोन सस्ता होगा तो नेचुरली उस पैसे को लेके हम लोग मार्केट जाते हैं टू बाय समथिंग। हाउस लोन सस्ता होगा तो लोग घर बनाएंगे कार लोन सस्ता होगा तो लोग कार लेंगे तो इस तरह से होता है तो इससे डिमांड इंक्रीज़ होती है अब डिमांड के इंक्रीज़ होने से क्या होगा क्या जो रुपयी फॉल करेगा देखिए एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी में लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट डिमांड तो बढ़ेगी पर साथ साथ में उसने क्या बोला इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे लोन सस्ता हो जाएगा. तो जो इंटरेस्ट रेट है मैं में लिखता हूं जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा अब हमारे देश में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा इससे लोकल डिमांड बढ़ जाएंगे जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगी तो समस्या वो है दूसरी समस्या क्या है कि जैसे ही हमारे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कुछ लोगों ने जो विदेशों से हैं विदे, विदेशी हैं उन्होंने हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिपॉजिट कर रखे हैं इंटरेस्ट रेट कम होने से वो अपना पैसा निकाल के यहाँ से ले जाएंगे जैसे ही डॉलर्स का आउटफ्लो होगा यहाँ से क्योंकि उन्होंने तो पैसा जमा डॉलर्स में करवाया था अब अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा की गई थी यहाँ पे डिपॉजिट किए गए थे इन्वेस्टमेंट की गई थी बैंक्स के अंदर अपना पैसा निकाल के वो ले जाएंगे तो जब भी डॉलर आउटफ्लो होगा यहां से तो नेचुरली जो है वो हमारी जो करेंसी है वो गिर जाएगी तो हम ये एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी यूज नहीं करेंगे बाकी सारी करेंगे तो इसमें ये बात सही हुई तो क्वेश्चन टिपिकल है एन एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी में लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड दस फ्लाइट ऑफ फॉरन कैपिटल फ्रॉम इंडिया विच वुड गेट बेटर रिटर्न अब्रॉड फिर रेट कम होंगे तो नेचुरली वो यहां से हटा के पैसा कहीं ऐसे का लेके जाएंगे जहां पे उनको अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट्स हैं सच ए पॉलिसी मे फ्यूल इन्फ्लेशन एंड हायर इम्पोर्ट थ्रू हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ये सारी बातें लिखी हुई है तो ये बात इसमें सही हुई अब देखिए एक ही सवाल को अंडरस्टैंड करने के लिए इकॉनमी के अंदर बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे मसाला बॉन्ड के बारे में नॉन इसेंशियल गुड्स के बारे में डिस्कस किया हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरिंग क्या है हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कई बार एच एग्जाम के अंदर यही पूछ लेते हैं मात्र कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं मीन्स लोन सस्ता हो जाता है जिससे एक प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो विदेशी या फॉरनर्स जिन्होंने हमारे देश के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बिकॉज ऑफ अच्छे रिटर्न थे यहाँ पे अच्छे इंटरेस्ट रेट थे इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण उस पैसे को लेके कि किसी और देश में ले जाएंगे जहाँ अच्छे उनको रिटर्न मिलते हैं